गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड द चैप्टर नंबर 5, द स्टोरी ऑफ एन इनविटेशन। बेटे, ये आपकी सेकंड वीडियो है। जो फर्स्ट वीडियो थी वो पहले सेंड की जा चुकी है, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आई सपोज आई मस्ट रिवाइज दिस दैट सीनियर इंग्लिश दिस इवनिंग, सेड बेर्था एब्सेंटली। बेर्था ने बड़ा ही एब्सेंटली कहा, मैं कल्पना करती हूँ कि मुझे सीनियर की जो इंग्लिश है इस शाम उसे रिवाइज करना चाहिए, बट शी मेड नो मूव टू डू सो। लेकिन ऐसा करने के लिए उसने कोई गतिविधि नहीं दिखाई। शी वॉज स्टडिंग हर फ्रेंड्स फेस, वह अपनी जो फ्रेंड थी उसके चेहरे का अध्ययन कर रही थी। हाउ वेरी पेल एंड थिन ग्रेस लुक्ड, कि ग्रेस जो है कितनी पीली और पतली दिखाई दे रही थी। श्योरली मच पेलर एंड थिनर देन वेन शी हैड कम टू द अकेडमी, निश्चित रूप से जब वह एकेडमी में आई उससे भी ज़्यादा पीली और पतली दिखाई दे रही थी। एंड शी हैड नॉट बाय एनी मीन्स बीन प्लम्प एंड रोजी देन, और वह अब किसी भी तरह से मोटी और रोजी नहीं थी या दिखाई दे रही थी। I believe she could not stand 2 months at clerk में, thought Bertha. Bertha ने सोचा, मेरा विश्वास है कि वह 2 महीने तक क्लार्क मैन की जो लाइब्रेरी है उसके अंदर वह नहीं रुक पाएगी। If I were not going to Aunt's Meg, अगर मैं Aunt's Meg के पास नहीं जाती हूँ, I would ask her to go home with me. मैं उसको अपने स्थान पर घर जाने के लिए पूछूंगी। और इवन इफ एंट मैग हैड रूम फॉर अनदर गेस्ट, या एंट मैग के पास अगर कोई दूसरा गेस्ट रूम है तो आई वुड जस्ट राइट हर ऑल अबाउट ग्रेस, मैं ग्रेस के बारे में सब कुछ उसको लिख दूंगी। एंड आस्क इफ आई कुड ब्रिंग हर विद मी, और उससे ये भी पूछूंगी कि क्या मैं उसको अपने साथ ला सकूंगी। एंट मैग वुड अंडरस्टैंड, एंट मैग समझ जाएगी। शी ऑलवेज अंडरस्टैंड, वह हमेशा समझ जाती है। बट शी हैजंट, लेकिन वह अगर नहीं समझती है, सो इट कांट बी, ऐसा हो नहीं सकता। जस्ट देन ए थॉट स्टार्टेड इन टू बेर्था माइंड, तभी बेर्था का जो माइंड था उसके अंदर एक थॉट फ्लैश हुआ, एक विचार आया। व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है। शी सेड अलाउड, उसने जोर से कहा। सो सडनली, इतना एकदम से, एंड फोर्सली, और इतना जोर से, दैट ग्रेस फेयरली जम्प्ड, कि ग्रेस उछल पड़ी। व्हाट इज, क्या हुआ। ओह नथिंग मच, अरे ज़्यादा कुछ नहीं, सेड बेर्था। बेर्था ने कहा, गेटिंग अप ब्रिस्टली, बड़ी तेज़ी से उठते हुए। सी हियर, यहाँ देखो, आई एम गोइंग टू गेट टू वर्क, मैं जो है ना काम करने जा रही हूँ। आई हैव वेस्टेड एनफ टाइम, मैंने बहुत सारा समय बेकार कर दिया है। सी कर्ल्ड हरसेल्फ अप ऑन द दीवान एंड ट्राई टू स्टडी हर सीनियर इंग्लिश, उसने अपने आप को दीवान के ऊपर कर्ल किया और अपना जो सीनियर की जो इंग्लिश थी उसका अध्ययन करने का प्रयत्न किया। बट हर थॉट्स वंडर्ड होपलेसली, लेकिन उसके जो विचार थे बड़े ही निराशापूर्ण तरीके से चल रहे थे। एंड फाइनली शी गेव इट अप इन डिस्पेयर, और आखिरकार उसने इन सब को निराशा में छोड़ दिया। एंड वेंट टू बेड, और बिस्तर पर चली गई। देयर शी कुड नॉट स्लीप, वहाँ वह सो नहीं सकी। शी ले अवेक, वह जागती रही। एंड रेसल्ड विद हरसेल्फ, और अपने आप से वह विचारों में लड़ती झगड़ती रही, खेलती रही। इट वॉज
After midnight, ये आधी रात के बाद, when she sat up in bed, जब वह बिस्तर पर बैठ गई, and said solemnly, और बड़ी गंभीरता के साथ कहा, I will do it, मैं इसको करूँगी. Next day, अगले दिन, Bertha wrote a confidence letter to Aunt Meg. Bertha ने एक Aunt Meg को बड़ा ही विश्वसनीय पत्र लिखा. She thanked her, उसने उसको धन्यवाद किया, for her invitation, उसके निमंत्रण के लिए, and then told her, और तब उसको बताया all about Grace, Grace के बारे में सब कुछ उसको बताया. And what I want to ask Aunt Meg, और उसने कहा Aunt Meg, जो कुछ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ is that वो ये है, will you let me transfer my invitation to Grace, क्या आप मेरे को इजाज़त देंगे कि मैं अपना invitation letter जो है Grace को transfer कर दूँ. एंड आस्क हर, और मैं उसको कहूँ टू गो टू रिवरडेल, और मैं उसको रिवर्सडेल के पास जाने के लिए कहूँ दिस समर, इस गर्मी के मौसम में, इन माई प्लेस, अपने स्थान पर. डोंट थिंक मी अनग्रेटफुल, मेरे को एकतज्ञ मत समझना. नो नहीं, आई एम श्योर यू वॉन्ट, मेरा पक्का विश्वास है आप मेरे को एकतज्ञ नहीं समझेंगे. You always understand things. आप हमेशा से इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हो. But you can't have us both. लेकिन आप हम दोनों को नहीं रख सकते हो. And I would rather Grace should go. और मैं ये चाहती हूँ कि Grace को जाना चाहिए. It will do her so much good. ये उसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा. And I have a lovely home of my own. And I have a lovely home of my own to go to. और मेरे पास मेरा जो है ना बहुत ही अच्छा घर है, of my own, अपना अपनी तरह का, to go to, जाने के लिए. And she has none, और उसका पास कुछ भी नहीं है. Aunt Meg understood. Aunt Meg जो समझ गई as usual, जैसा कि आमतौर पर. And was perfectly willing, और पूर्ण रूप से इच्छा के साथ. So she wrote to Bertha. इसलिए उसने बैर्था को पत्र लिखा. एंड एनक्लोज्ड ए नोट ऑफ इनविटेशन फॉर ग्रेस, और उसने ग्रेस को एक निमंत्रण पत्र भेजा, ताकि वह ग्रेस को एक निमंत्रण पत्र भेजे. आई शैल हैव टू मैनेज दिस अफेयर वेरी केयरफुली, मुझे ये जो मामला है बड़ी सावधानी से इसका प्रबंध करना चाहिए, रिफ्लेक्टेड बैर्था. बैर्था ने कहा ग्रेस मस्ट नेवर सस्पेक्टेड दिस दैट, ग्रेस जो है वह इसके ऊपर जो है शक नहीं करेगी. आई डिड इट ऑन पर्पज, आई विल टेल हर दैट सर्कमस्टांसिस हैव प्रिवेंटेड मी, मैं उसको ये बताती हूँ कि परिस्थितियाँ जो हैं उसने मेरे को रोका है फ्रॉम एक्सेप्टिंग Aunt Meg इन्विटेशन, Aunt Meg के निमंत्रण को स्वीकार करने से रोकने के लिए. दैट इज ट्रू एनफ, यही पर्याप्त रूप से सच है. नो नीड टू से, कहने की जरूरत नहीं है. दैट द सर्कमस्टांसिस आर हर्स नॉट माइन, कि परिस्थितियां उसके अनुकूल हैं मेरे नहीं. एंड आई शैल से, और मैं ये कहूँगी, आई जस्ट आस्क्ड Aunt Meg टू इनवाइट हर, मैं पूछती हूँ Aunt Meg को आमंत्रित करने के लिए इन माई प्लेस, अपने स्थान पर. एंड दैट, और इसी तरह से शी हैज डन सो, और इस तरह से उसने ये सब ऐसा किया है. व्हेन ग्रेस केम होम, जब ग्रेस घर आई फ्रॉम हर हिस्ट्री एग्जामिनेशन दैट डे, जब हिस्ट्री की परीक्षा से उस दिन जब ग्रेस घर आई, बैर्था टोल्ड हर स्टोरी एंड गिव हर Aunt Meg कॉर्डियल नोट, बैर्था ने अपनी कहानी बताई और उसको Aunt Meg का जो है मैत्रीपूर्ण जो नोट था वो उसको दिया. यू मस्ट कम टू मी इन बैर्था प्लेस, यू मस्ट कम टू मी इन बैर्था प्लेस, आप जो है बैर्था के स्थान पर आप मेरे पास आ सकती हो. रोट द लेटर, पत्र में लिखा था. आई फील, मैं महसूस करती हूँ एज इफ, जैसा कि आई न्यू यू फ्रॉम हर लेटर, कि मैं आपको उसके पत्रों से ही जानती हूँ. एंड आई विल कंसिडर यू एज ए सॉर्ट ऑफ ऑनरी नाइस,
और मैं आपको समझूंगी एक प्रकार से सम्मानिए अपनी भतीजी के रूप में, एंड आई शैल ट्रीट यू एज इफ यू वर बेर्था हर्सेल्फ, एंड आई शैल ट्रीट यू, और मैं आपके साथ व्यवहार करूंगी जैसा कि आप जो है स्वयं बेर्था हैं। इजंट इट स्प्लेंडेड फॉर एंट मैग, क्या ये एंट मैग के लिए शानदार नहीं है, सेड बेर्था डिप्लोमेटिकली। बेर्था ने बड़े ही कूटनीतिपूर्वक तरीके से कहा, ऑफ कोर्स वास्तव में यू विल गो ग्रीस, ग्रीस वास्तव में आप जाएंगे। ओह अरे आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, सेड ग्रीस, ग्रीस ने कहा इन बिल्डरमेंट घबराहट के साथ। बेर्था ने कहा अरे मैं नहीं जानती हूँ, आर यू श्योर यू डोंट वॉन्ट टू गो। बेर्था, बेर्था क्या आप श्योर हैं कि आप जाना नहीं चाहती हैं। इंडीड वास्तव में, आई डू वॉन्ट टू गो, ड्रेडफुली वास्तव में आई डू वॉन्ट टू गो, ड्रेडफुली, उसने डरते हुए बड़े भयानक रूप से, आई डू वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहती हूँ, सेड बेर्था फ्रेंकली, बेर्था ने बड़े निडरता के साथ कहा। बट एज आई हैव टोल्ड यू, जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज़ इम्पॉसिबल, ये असंभव है। बट इफ आई एम डिसअपॉइंटेड, अगर मैं निराश हूँ, एंट मैग मस्टंट बी, एंट मैग जो है अवश्य ही निराश होगी। यू मस्ट गो, आपको जाना चाहिए, ग्रेस, एंड दैट इज ऑल देयर इज अबाउट इट, और यही है सब कुछ उसके बारे में। इन द एंड ग्रेस डिड गो, इन द एंड अंत में ग्रेस जो है गई, ए लिटल पजल्ड, थोड़ी सी परेशान, अंत में जो लिटल ग्रेस थी वो परेशान हो गई, एंड डाउटफुल, और वह संदेह में थी, बट थैंकफुल बियॉन्ड वर्ड्स, लेकिन जो है वह धन्यवादी थी शब्दों से परे, टू एस्केप द ड्रजरी ऑफ द काउंटर, वह जो है इस प्रकार से घबराहट से बचने के लिए और शोर शराबे से और शहर की गर्मी से बचने के लिए वह धन्यवादी थी। बेर्था वेंट होम, बेर्था जो है घर गई, फीलिंग ए लिटल बिट ब्लू इन सीक्रेट, वह थोड़ा सा परेशान थी। इट कांट बी डिनाइड, इससे मना नहीं किया जा सकता था, बट आल्सो फीलिंग क्वाइट श्योर, लेकिन वह पर्याप्त रूप से अपने आप को निश्चित समझ रही थी, दैट कि इफ शी हैड टू डू इट ऑल ओवर अगेन, अगर इस सभी को दोबारा से ये सब करना पड़ा, शी वुड डू जस्ट द सेम, तो वह ऐसा ही करेगी। द समर स्लिप्ड क्विकली बाय, गर्मी जो है जल्दी से बीत गई, एंड फाइनली टू लेटर्स केम टू बेर्था, और बेर्था के पास दो पत्र आए, वन फ्रॉम एंट मैग, एक एंट मैग से, एंड वन फ्रॉम ग्रेस, और दूसरा और एक ग्रेस से। आई हैव हैड ए लवली टाइम, सेड द लेटर, पत्र में लिखा, रोट द लेटर, एंड ओह बेर्था व्हाट डू यू थिंक, आई हैड ए लवली टाइम, रोट द लेटर, पत्र में लिखा था कि आई हैव हैड ए लवली टाइम, मेरा बहुत अच्छा समय बीता, एंड ओह अरे बेर्था व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचती हो, आई एम टू स्टे हियर ऑलवेज, मैं यहाँ पर हमेशा ठहरना चाहती हूँ, ओह अरे ऑफ कोर्स वास्तव में, आई एम गोइंग बैक टू स्कूल नेक्स्ट मंथ, अगले महीने मुझे स्कूल जाना है, बट दिस इज टू बी माई होम आफ्टर दिस, लेकिन यह जो है, दिस इज टू बी माई होम आफ्टर दिस, इसके बाद मुझे अपने घर रहना है। एंट मैग, एंट मैग, शी मेक्स मी कॉल हर दैट, एंट मैग जो है वह मुझे इसी तरह से कहती है, एंट मैग, शी मेक्स मी कॉल दैट से, आई मस्ट स्टे विद हर फॉर गुड्स, मैं उसके साथ एक अच्छे समय के लिए उसके साथ ठहरती हूँ, और उसके साथ मैंने अच्छे से समय बिताया है। इन एंट मैक्स लेटर वाज दिस पैराग्राफ, एंट मैक्स के लेटर में ये सब पैराग्राफ था, ग्रेस इज राइटिंग टू यू एंड विल हैव टोल्ड यू दैट, ग्रेस जो है आपको पत्र लिख रही है, एंड विल हैव टोल्ड यू, और आपको ये बताएगी, दैट कि आई
इंटेंड टू कीप हर हेयर, और मेरी इच्छा है कि मैं उसको यहाँ पे रखूँ। यू नो, आप जानते हो, आई हैव ऑलवेज वांटेड ए डॉटर ऑफ माई ओन, कि मैं हमेशा चाहती थी कि मेरे पास जो है मेरी ही तरह से कोई लड़की हो। बट माई ग्रीडी ब्रदर एंड सिस्टर, लेकिन मेरे लालची भाइयों और बहनों ने वुड नेवर गिव मी वन ऑफ देयर्स, और उन्होंने मेरे को इस तरह से ऐसा अवसर नहीं दिया। सो आई इंटेंड टू अडॉप्ट ग्रेस, तो मेरी इच्छा है कि मैं ग्रेस को अडॉप्ट करूं। शी इज़ द स्वीटेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड, वह संसार में सबसे स्वीटेस्ट मधुर लड़की है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, और मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवादी हूँ फॉर सेंडिंग हर हेयर, कि आपने उसको यहाँ पे भेजा। यू विल नॉट नो हर, आप उसको नहीं जान सकेंगे। व्हेन यू सी हर, जब आप उसको देखेंगे। शी हैज़ ग्रोन प्लम्प एंड रोजी, वह मोटी और रोजी हो गई है। बेर्था फोल्डेड हर लेटर अप, बेर्था ने अपने जो हाथ थे उनको फोल्ड किया, लपेटा विद ए स्माइल। एक फोल्डेड हर लेटर, बेर्था ने अपना जो पत्र था उसको एक मुस्कुराहट के साथ फोल्ड किया। आई हैव वेग यू डिलाइटफुल फीलिंग, मेरे पास स्पष्ट और खुशनुमा भावनाएं हैं, विचार हैं। दैट आई एम द गुड एंजल इन ए स्टोरी बुक, कि मैं एक स्टोरी बुक की एक बहुत ही अच्छी एंजल हूँ, शी सेड, उसने कहा। तो स्टूडेंट्स, आपका लेसन जो है कंप्लीट हो गया है, इसको ध्यान से रीडिंग करना है। ओके.